स्कूलों का सिलेबस अब ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके लिए एक एक विद्यावाहिनी लॉन्च किया गया, एक ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम दिया गया है विद्यावाहिनी, जिसमें क्लास एक से लेकर बारहवीं तक की सभी किताबें पढ़ी जा सकती हैं और नोट्स भी तैयार किए जा सकते हैं। इस ऐप से बच्चों को काफी फायदा होगा। सरकारी स्कूल के शिक्षकों और बच्चों को शिक्षा विभाग ने विद्यावाहिनी ऐप की आज सौगात दी है। अब पूरा पाठ्यक्रम ऑनलाइन हो गया है। हम सीधे बात करते हैं, प्राइमरी डायरेक्टर डॉक्टर रंजीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, कि आज से ये जो ऐप है उसकी शुरुआत हो गई है, क्या सब फायदा होगा? एक्चुअली ये ऐप जो बनाया गया है क्लास एक से लेकर 12 क्लास तक के बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, शिक्षकों के लिए बहुत बड़ी यह एक उनके लिए एक सुविधा हुई है, जिसके माध्यम से वो चैप्टर वाइज भी अपनी स्टडी कर सकते हैं। किसी भी क्लास को चैप्टर वाइज और फुल वो देख सकते हैं पाठ्यक्रम को। और मोबाइल में रहने से क्या होता है कि कहीं भी लोग जाते हुए रिवीजन भी कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ी सुविधा मिली है। इसमें नोट्स बनाने की भी सुविधा है, टीचर भी अपना नोट्स बना सकते हैं, स्टूडेंट भी बना सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डेट वाइज भी इसको नोट्स को कर सकते हैं। जो अभिभावक है घर में अगर वो भी पढ़ाना चाहते हैं तो वही पढ़ा सकते हैं। एक और कोई पहल आपकी तरफ से की गई है क्या, कि कोई कैंप लगाकर जैसे जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, उन बच्चों के पास पाठ्यक्रम जो है ऑनलाइन कैसे पहुंचे, उसको लेकर भी कोई पहल? ये इसको लेकर आपको ये जो जैसे पाठ्यक्रम नहीं पहुंच पा रहा है तो ऑलरेडी हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी हमने दूरदर्शन के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, लेकिन कई जगह दूरदर्शन की नहीं है, टीवी नहीं है, लेकिन मोबाइल है। लेकिन इसके दोनों के बावजूद भी अगर बच्चे वहां तक नहीं रीच कर पा रहे हैं तो उसके लिए अलग से हम लोग स्मार्ट क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके सरलता पे खास ध्यान दिया है कि इसमें बच्चे जो छोटे बच्चे भी है, कक्षा 5 के बच्चे हैं, कक्षा 1 के बच्चे हैं, वो भी इसे बस देख के क्लिक करके खोल सके। प्ले स्टोर में बच्चे जाएंगे, इससे सॉफ्टवेयर को विद्यावाहिनी को आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जाकर इस ऐप के माध्यम से आप जो है क्लास वाइज आप चैप्टर को खोल सकेंगे। यानी अब सभी किताबें ऑनलाइन हो गई है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने अभी ऐप को लॉन्च किया है, तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को और शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होगा। कैमरामैन नीलमणि के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार